हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि कॉमर्स वर्ल्ड। आज मैं आपको एक बचो है कपड़े से एक सुंदर सा पाउच बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ना ही ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। ये जिपर पाउच बनाने के लिए हमारे पास ये कपड़े का पीस बचा हुआ था। ये हमने मेन फैब्रिक है हमारा, और बीच में हमने फॉर्म शीट और नीचे लाइनिंग के लिए एक पुराने सूट में से कपड़ा कट किया हुआ है। आप चाहें तो नया पीस भी लगा सकते हैं लाइनिंग के लिए। अब हम चौक की हेल्प से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसी के ऊपर हमने सिलाई मशीन से सिलना है। इसे तीनों पीसेस को अच्छे से सेट कर देंगे और इसे हाथ से अच्छे से पकड़ते हुए इन किनारे पर हमने सबसे पहले सिलाई लगानी है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हिले। दो दो इंच का गैप रखते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है पूरे कपड़े में सीधी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है पूरे कपड़े में। आप देख सकते हैं हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेनी है। कुछ इस तरीके का लुक आया है इसका। एक बार हम कपड़े की लंबाई और चौड़ाई चेक कर लेते हैं जो फाइनल हमें पाउच के लिए चाहिए। ये इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और इसकी लंबाई आधे फोल्ड में 10 इंच है और टोटल 20 इंच इसकी लंबाई है। पाउच के अंदर हमें एक पॉकेट भी लगाएंगे। इसके लिए हमने लाइनिंग वाला कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच है। इस तरीके से हमने इसके सेंटर में से कट लगा देना है हाफ फोल्ड करते हुए, और इसे पहले हमने जहाँ पर हमने कट लगाया है इस कपड़े को रखते हुए आधे इंच का मार्जिन देना है और इसे सील लेना है यहाँ पर इस तरीके से। इसको हमने सील लिया है। अब इस कपड़े को ऊपर की तरफ सीधा कर देना है और इसके साइड्स को पाउच के साथ में अटैच कर देना है आधे इंच का मार्जिन देते हुए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे बाद में हम कट कर देंगे। दोनों साइड से इस तरीके से सीलेंगे इसे। आप देख सकते हैं पाउच के एक साइड हमने पॉकेट बना दी है और दूसरी साइड पार्टीशन बनाने के लिए हमने एक आधे इंच चौड़ा प्लास्टिक लिया है। इसे हम 5.5 इंच पर पाउच में अटैच करेंगे। ये हमने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन देना है हमने, और पहले इसे दोनों एंड से हम मशीन से अटैच कर लेंगे अच्छे से। हमने इलास्टिक को दोनों साइड से अटैच कर लिया है। अब इसके सेंटर में हमने पार्टीशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब इन जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं चौक की हेल्प से, वहीं पर हमने इसे सील लेना है। ये पार्टीशन हम इसलिए बना रहे हैं, अगर आप मेकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं इस पाउच को, तो इसमें आप इजीली अपनी कई चीज़ें लगा सकते हैं। वो दूसरे सामान के साथ मिक्स भी नहीं होगी और इजीली आपको मिल भी जाएगी। इसे हमने लगा कर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कॉर्नर्स पर हमने 1-1 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी 1 इंच का स्क्वायर बना लेना है। अब इन स्क्वायर्स को हम कैंची की हेल्प से कट कर देंगे। अब इस पाउच में हम जिपर अटैच करेंगे। जिपर अटैच करने के लिए हमने एक 9 इंच लंबी जिप ली है। पाउच में जिप अटैच करने के लिए जिप को पाउच के सीधी वाली साइड से अटैच करना है। हमने जिप का सीधा वाला पोर्शन पाउच के सीधी वाली साइड ही अटैच करना है। जिप को इस तरीके से रखते हुए इसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है।
हमने ज़िप की एक साइड पॉच के साथ अटैच कर दी है। अब इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़े और ज़िप को, इस तरीके से सीधा कर लेना है और इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से पॉच की दूसरी साइड हमने ज़िप का दूसरा पोर्शन अटैच करना है। अब हम पाउच के साइड्स को सील कर रेडी करेंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसे सील लेना है। जो हमने कट लगाए उन्हें हम बाद में कंप्लीट करेंगे, बस इसे सीधा सील लेना है और ज़िप वाली साइड पर हमने इसे डबल सिलाई चलाकर सीलना है ताकि सिलाई उधड़े ना हमारी। और दूसरी साइड को सीलने से पहले हम इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिप कट करके रेडी करेंगे। स्ट्रिप की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लंबाई 6 इंच है हमारी। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है सेंटर में से और एक पतली सी स्ट्रिप बनाकर रेडी कर लेनी है और इसे सेंटर में से फोल्ड करते हुए ज़िप के जस्ट 1.5 इंच नीचे ही लगानी है। इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ लगाएंगे और इसे भी सील कर रेडी कर लेंगे। हमने नीचे की तरफ 1 इंच का जो कट लगाया था उसे इस तरीके से पकड़ना है और इसको सिलाई से मिलाते हुए दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से पकड़ते हुए आधे इंच का मार्जिन देखकर इस पर सिलाई लगा देनी है। हमारा ज़िपर पाउच बनकर रेडी है और इसे सीधा करते हुए इसके कॉर्नर्स को अच्छे से सेट कर देना है हमने। ये देखिए, हमने जो पार्टीशन के लिए पॉकेट बनाई थी इसमें डबल स्पेस का काम कर रही है वो, और कुछ इस तरीके का लुक आया है हमारे पाउच का। आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेकअप का सामान डाल सकते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तब भी इसमें सामान लेकर जा सकते हैं, शेविंग का सामान भी डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बचे हुए कपड़े का हमने कितना अच्छा यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पाउच बनकर रेडी हुआ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।